प्रभु ही नहीं लिखा है, वहां पर लिखा हे प्रभु हे प्रभु। अब इसका क्या मतलब? जो व्यक्ति यहां पर यह दावा कर रहा है वो सिर्फ अचानक से उठकर सामने नहीं आएगा कि अभी न्याय होने वाला है तो मैं प्रभु को अपना खुदा मान लूं, नहीं, ये वो व्यक्ति है जो लोगों के सामने यह दावा करता था कि यीशु खुदा है, जो जब गाने चलते थे तो उसके ऊपर नाचता था और कहता था कि यीशु खुदा है, जो गाने गाता था कि यीशु खुदा है, लेकिन प्रभु यीशु से कहते हैं कि मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वरन वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। कोई एक सच्चा मसीह बन चुका है, इसका सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? मैं चाहता हूं कि हम ये फिर से सिखाना शुरू कर दें, हमारी थियोलॉजी को क्या हुआ, हमारे सिद्धांतों को क्या हुआ, हमारी शिक्षा को क्या हो गया है। अब कोई भी सिद्धांतों को सीखना नहीं चाहता है, अब लोग सिर्फ मसीह गीत सुनना चाहते हैं और टी शर्ट्स के ऊपर कुछ आयतों को पढ़ना चाहते हैं। सच्चाई को क्या हुआ? और सच्चाई ये है कि अगर आप सच में नए सिरे से पैदा हुए हैं तो इसका सबसे बड़ा चिन्ह यह है कि आपके जीवन का यह स्टाइल बन जाएगा कि आप पिता की इच्छा पर चलना शुरू कर देते हैं।